hello kids how are you welcome back to our e-learning class children in subject evs we most of completed the chapter number 4 the world of plant in this chapter i am almost completed the all points different types of plants plants are of the different shapes and size some plants grow big some plants remain small big plants are called trees

कोई बिग रहता है कोई स्मॉल रहता है कोई वाटर के अंदर ग्रो करता है कई प्लांट्स को जो प्लांट्स ग्रो करने में जिनको सपोर्ट चाहिए होता है उनको क्लाइंबर बोलते हैं और सम फ्लावर्स चेंज होते हैं फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं और मोस्ट फ्रूट्स के अंदर सीड्स रहते हैं और कई में ज़्यादा सीड्स होते हैं कई में कम सीड्स स्मॉल कम सीड्स रहते हैं सम प्लांट्स है थ्रोन्स कई प्लांट्स में थ्रोन्स रहते हैं लाइक रोज रोज जो फ्लावर होता है उसमें क्या रहता है थ्रोन रहता है देखो आप देख सकते हो रोज प्लांट है उसमें देखो यहाँ साइड में थ्रोन्स दिए हुए कांटे लगे हुए हैं सो ऑलमोस्ट वी कंप्लीटेड ऑल पॉइंट्स नाउ चिल्ड्रन सी Almost we come cover all points now. Quick recap of this chapter, okay. Again, I repeat some points after that. I am explaining your homework assignment. Okay, some plants are big and some plants are small. Plants that need support to stand are called climbers. Jin plants go. ग्रो uh, करने में सपोर्ट चाहिए उनको हम क्या बोलते हैं क्लाइंबर्स बोलते हैं डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स डिफरेंट प्लांट्स जो होते हैं उनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ लीव्स रहते हैं सम आर एंड सम आर स्मॉल मोस्ट प्लांट्स बीयर फ्लावर्स मोस्ट फ्रूट हैव सीड इन साइड देम यानी मोस्ट प्लांट्स होते हैं वो बियर फ्लावर्स होते हैं मोस्ट फ्रूट होते हैं जो जिनके अंदर क्या होते हैं सीड्स रहते हैं मोस्ट प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स और जो प्लांट्स इसमें से ग्रो करते हैं वही जो सीड रहते हैं जो फ्रूट्स के अंदर जो सीड निकलता है और वही सीड हम जब बाहर निकालते हैं तो उसी सीड में से फिर वो क्या होता है फिर से ग्रो उनको करने में वो हेल्प रहते हैं तो दिस इज़ द क्विक रिकअप ऑफ दिस चैप्टर नाउ सी चिल्ड्रन योर होमवर्क असाइनमेंट आंसर दिस क्वेश्चन सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू राइड टू टाइम्स इन यूर नोट बुक आपको ये टू टाइम्स आपकी नोटबुक में कम्प्लीट करने हैं सो फर्स्ट क्वेश्चन इज राइड द नेम्स ऑफ टू ट्रीज एंड टू क्लाइंबर्स सो यू हैव टू राइड द टू नेम्स ऑफ ट्रीज एंड टू नेम्स ऑफ क्लाइंबर्स आपको कोई भी टू नेम्स ट्रीज के लिखने हैं और टू नेम्स क्लाइंबर्स के लिखने हैं so answer is trees first coconut and second neem means coconut tree or neem tree second climbers a grape point and sweet pea again i repeat Try the names of two trees and two climbers so first trees name coconut and second neem and climbers first grapevine and second sweet pea नौ सेकंड क्वेश्चन राइट द नेम्स ऑफ थ्री फ्रूट्स डेट हैव सीड्स इनसाइड देम आपको कोई भी थ्री फ्रूट्स के नेम लिखने हैं जिनके अंदर सीड्स रहते हैं लाइक like आंसर पपैया एप्पल ऑरेंज आप कोई भी और नाम भी लिख सकते हो जिसमें सीड्स रहते हैं सो हेयर आई एम रिटर्न पपैया एप्पल एंड ऑरेंज यहाँ पर मैंने पपैया एप्पल एंड ऑरेंज लिखा है ना क्वेश्चन नंबर थर्ड वॉट हैपन्स वेन अ सीट गेट्स एयर वाटर एंड सन शाइन क्या होता है जब सीड्स को एयर वाटर और सनशाइन मिलता है क्या होता है उसमें से फिर सो आंसर इज द बेबी प्लांट्स कॉम्स आउट यानी ये सब जब चीज़ें मिलती हैं तो क्या निकलता है बेबी प्लांट्स जो सीड्स हम नीचे ज़मीन में हम डालते हैं तो उसको हम फिर वाटर देते हैं सनशाइन मिलता है एंड एयर हवा मिलती है तो फिर क्या होता है उसमें से जो सीड में से क्या निकल आता है बेबी प्लांट निकल आता है जिसमें से फिर आगे प्लांट्स ग्रो करते हैं धीरे धीरे वो बेबी प्लांट ट्री में कन्वर्ट हो जाता है सो अगेन आई रिपीट राइट द नेम्स ऑफ टू ट्रीज एंड टू क्लाइंबर्स तो आपको यहाँ पर टू ट्री ट्रीज और क्लाइंबर्स के नेम्स लिखने हैं लाइक कोकोनट नीम एंड क्लाइंबर्स नेम ग्रेप पॉइंट एंड स्वीट भी देन राइड द नेम्स ऑफ थ्री फ्रोट देट है सीड्स इन साइड देम लाइक पपैया एप्पल ऑरेंज एंड थर्ड वन वॉट हैपन वेन अ सीड गैस एयर वॉटर एंड सनशाइन द बेबी प्लांट ग्रो comes out the baby plants come out now next question now you see children activity so in your test book page number 151 you have to do this exercise in your test book so you have to find out the 10 plants are hidden in the वर्ल्ड पजल्स यानी टेंस प्लांट्स के नेम है वो इस पज़ल्स में से आपको फाइंड आउट करके सर्कल करना है तो दो ऑलरेडी आप में दिए हुए हैं मैंगो एंड मिंट नाउ यू सी देखो यहाँ पर आपको दिखेगा तुलसी टी यू एल एस आई तुलसी ये आपको इसको सर्कल करना है फिर ऊपर फर्स्ट लाइन में ही है नीम एंड डबल ई

मैंगो ऑलरेडी दिया हुआ है फिर नेक्स्ट है ऊपर ऊपर देख सकते हो मैंगो के ऊपर अशोक ए एस एच ओ के अशोक का ट्री होता है ना अशोक का बोलते हैं या अशोक भी बोल सकते हैं ट्री का नेम है देन नेक्स्ट है रोज आर ओ एस ई -E, रोज रोज प्लांट भी होता है मैंगो एम ए एन जी ओ मैंगो पाइन पी आई एन ई पाइन सो so, ये आपको टेन वर्ड्स प्लांट्स के हो गए हैं वो आपको अच्छी तरह से इसको क्या करना है सब वर्ड्स को आपको इसे स्क्वायर शेप में या राउंड शेप में उसको अच्छी तरह से सर्कल करना है अगेन आई रिपीट द नेम तुलसी बनाना मिंट मैंगो नीम बनियान ग्रेप वाइन अशोक पाइन रोज तो so, आपको ये टेन वर्ड्स फाइंड करने हैं ओके सो डू योर होमवर्क इन योर टेक्स्ट बुक सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टू डेज होमवर्क असाइनमेंट एंड क्वेश्चन आंसर्स बोथ सो यू हैव टू डू इन योर टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक thank you for watching so children we will meet in next class with new chapter so children take care and bye